मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। गांव तो अभी दिख नहीं रहा, अंधेरा है, लेकिन आज आपको एक बात बता देता हूँ कि आज जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ गई है। तो आज जो गाँव का माहौल है, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ, मार्केट में बहुत भयंकर हल्ला हो रहा है, जैसे कि डीजियां बज रही है, बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है। तो चलिए एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और हमारे विधायक श्री सुरेश चौहान जी को भी बहुत बहुत बधाई, उनका जो अथक प्रयास था वो विजयी हो गए हैं। तो चलिए आप कीचड़ का हाल देख लेते हैं। अरे वाह वाह भाई साहब, आज खड़े हैं। अरे भाई साहब, अरे बैठ जाओ यार नीचे, यार क्यों इतना टेंशन लेते हो तुम। और यहाँ अभी ये जल रही है भुबराल, आग जग रही है अभी, और इसके ऊपर चढ़ा रखा है इन्होंने प्रेशर, ये चढ़ा रखा है प्रेशर। और यह है मेरी मम्मी है, और यह है आंटी। कौन है तू? आंटी, अच्छा अनीता, सॉरी। और ये भाई साहब हमारे भी घर के एक फैमिली मेंबर ही हैं, ये देखो इनकी गुआने मरोड़, अंदर बैठेंगे भाई, बाहर चलो चलो बाहर। और ये यहाँ पर इनका भी चल रहा है कॉमेडी सेशन, इसने यहाँ पर आटा निकाल दिया है। तो कितनी रोटी बनेगी रे? हाँ, क्या हुआ? 20 रोटी। और आज प्रेशर का भी प्रेशर बन चुका है और ये सिटी मारना स्टार्ट कर दिया इसने। और आप यहाँ देख सकते हैं, यही वो भैंसा है जिसपे हम घर आए थे, और ये अपनी धन्नो, और इसको आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ भाई, इधर बैठ, बैठ इधर, इधर बैठ, हाँ इधर बैठ, बैठ जा नीचे, नीचे बैठ जाओ। हाँ, नदर में तेरी टांगड़ी तोड़ना है, ढंग से तो होश मां। तो दोस्तों, कल मैं रात को यहाँ पहुँचा तो आपको मैंने दिखाया, आपने पिछले ब्लॉग में देखा है कि कैसा सफ़र रहा मेरा, काफ़ी डेंजर सफ़र रहा, क्योंकि हम लेट में निकले और लगभग 8 बजे के समथिंग हम गांव पहुँचे। तो कई बार ऐसे ऐसे जंगलों से होकर गुजरे हम, जहाँ की घबराहट हो रही थी कि कब कौन मिल जाए, क्योंकि वहाँ जो रोड के किनारे जो पिलर लगे हुए थे उन पर जब लाइट पड़ रही थी वो चमक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाघ खड़ा हो गया। तो सच बताऊँ तो पूरी हनुमान चालीसा जो याद थी रास्ते में बार बार रिपीट होती रही। तो चलिए उसी बहाने हनुमान चालीसा भी निकल गई, और ये सच में होता है, जब डर लगता है तो हनुमान चालीसा अपने आप रिपीट हो जाती है, अपने आप याद आती है। बहरहाल आप देखिए यहाँ मेरी मम्मी, ए बाबा, और ये आटा गूंदने के साथ न्याम 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 कर रही कुछ है, हाँ जस काली करती, म्याम न्याम 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 न्याम। देखो ये बोल रही क्या बे भेजी, तो आप सुन रहे हैं इसकी भाषा, क्या बे भेजी। तो यही है आजकल जो युवा पीढ़ी है, इनको पढ़ा लिखा के हम बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए क्या तानी वाला पिसुआ, इनको आप जंगल का काम बोलो, जंगल का काम तो ये करने के लिए तैयार है, पर घर का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो बाहर ले आए जो ना, हम तो ले आए हो, आप कह बोल लिया, आप क्या नहीं, मैं तान मिलता कहाँ बैठू, देर में कहते हैं दूर बैठी हूँ, आज अलग है बैठी आगे पर। ए बाबा, ए बाबा, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज मेरे नाना जी भी आ रखे हैं, वो अपनी संध्या पूजा कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी है, नहीं तो वो बहुत खतरनाक ढंग से पॉइंट मारते हैं। तो अगर मैं उनके सामने ब्लॉगिंग करूँगा तो वो बोलेंगे इसका काम ना धाम, हाथ पे लगा है कैमरा, क्या है फोन, क्या है फोन, पत्नी गढ़वाली बोलते हैं ये माँ तो काम ना धाम, रखे होते वो फोन हाथ पर, ऐसे ताने मारते हैं वो। तो उनके सामने थोड़ा जैसे वो आएंगे मैं सतर्क हो जाऊँगा। चलो पहले मैं चुपके से दिखाता हूँ कैसी पूजा कर रहे हो वहाँ, उनको लगना नहीं चाहिए कि मेरे हाथ में कैमरा है, काफ़ी सावधानी से मुझे कैमरा ले जाना पड़ेगा। नोट गिन रहे, नोट
नोट गिन रहे, नोट नोट नोट। ये पानी किसे गिराया? इसकी हिंदी सुनो आप, खतेर है भैजी। वाह क्या हिंदी, आ मजा आ गया, अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय हिंदी। आ हा हा, इसको देखो यहाँ, इसको इसको देखो यहाँ, उसकी इस भाई साहब को देख रहे हैं आप यहाँ, बाल उसने गर्दन रख दिया। अरे अरे भाई, अरे अरे बजोगी भाई? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आए, शांत रहो शांत रहो। अरे वो नाना जी कर रहे उधर है, तू क्या सोच रहा, आ गया कोई, क्यों टेंशन ले रहा है यार, दुआ दे यार। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो रहा है इनका भी। मेरी माँ जी स्पेशल टमाटर का तो बर्बाद कर दो, टमाटर भगवान तनिकार नो तनि दे तक डाल दी। कहाँ से सीखा मम्मी आपने ये काम, हैं कहाँ से सीखा? ना ना कहीं सीखा, कख ली नहीं डिग्री है, रोड़े ढंग से बना, ढंग से हाँ, यानी कैमरा का गाड़ी बनवानी है तन्ना बने ना बाबा भूत बाबा। और ये हमारे महाराज भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब कोई दिक्कत, भाई साहब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तुमड़ी बनी भाई साहब, कोई दिक्कत बनी, कोई रोजगार की कोई कमी नहीं ना। ये देखिए अभी गांव का माहौल कुछ इस प्रकार है, ये देखिए लाइटें तो जल रही है लेकिन एकदम अंधेरा। इस लाइट से तो बहुत फर्क पड़ा हमें, बहुत फायदा है मतलब। और अभी डीजी बनना बंद हो गया, जो डीजी बज रही थी वो एकदम बंद हो गया अभी, तो मेरे ख्याल से कल होगा जश्न। और यहाँ भाई साहब को हमने बाहर बिठा रखा है, अबे जब तुम इश्क करी थे कहीं नहीं तो फायदा क्या तेरे रखेला हेलो है फिर राशन बैठो फिर गुहाने मरोड़। और ये लगे हुए अपना काम पे। माँ जी आज किसकी दाल बन रही है आज? हरड़ की मल का, हरड़ दोनों दाल। अरे वाह सही है सही है सही है, एकदम सही है। और लिया है मेरा ठंड टाइम पर, लिया है मेरा लाकड़ा बात क्या कर रही हाथ गट पर है। हां ले ली मैं, हम ले रहे थे भगवत मुझे चाहिए। और क्या यहूं के उस आयो राई, ये है राई, ये कल बनेगी। चल बढ़िया बढ़िया। ये आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं मैं रोटी के, ये देखो यहां, वाओ क्या रोटी है, वाओ यार ये तो ठीक है पर वो वाली और खतरनाक है अभी। तो ऐसे बनती है रोटी, आप देख सकते हैं जो आग पे बनती है, तवा रखा हुआ है और हमने फर्स्ट क्लास जो आ इस रोटी का स्वाद अलग ही आता है जो अंगार पे सिकाई होती है जिसकी। ये है चिमटा बाबा, इसे हम रोटी को ऐसा पलटेंगे या हमारी गढ़वाली में कहा जाए तो फरकाएंगे, फेरू को हम रखेंगे इसके वाले घर में। और ये इसका खाना हमने इसमें रखा हुआ सब चीज। और महाराज रेडी अपने घर जाने के लिए है भाई। ठीक है महाराज, खाओ अपना, लेट जाओ आराम से, ठीक है आराम से खाओ और सो जाओ। चलिए इधर देखते हैं, इधर आंटी जी ने कितनी रोटी बनाई है। आंटी जी कितनी बना दी आपने? दाल बन रखी है ठीक है। और यहाँ पर अब रोटियाँ तो बन गई है, और अब थोड़ा दाल को तड़का देते हैं। बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ बैठ। गया
प्याज धोरी प्याज रे, प्याज धोरी प्याज रे, ये प्याज पड़ा, ये पड़ा इसमें टमाटर, टमाटर पड़े। चलिए थोड़ा हाथ धुल देते हैं और वहाँ पे तो नाना जी बैठ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अब बिना बोले जो होगा कैमरा फिट कर दिया जाएगा, चुपचाप आप वीडियो देखिए, वीडियो का मज़ा लीजिए। मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। ये है मक्खन और ये है अरहर की दाल। चलिए मैंने खाना खा लिया है और नाना जी खा रहे हैं, ये तो खाना खा रहे हैं। चलिए अब बिस्तर बुस्तर लगाते हैं और फिर सोने की तैयारी, और क्या हो सकता है। वाह, बिस्तर तो लग रखा है। ये विद्यार्थी है, ये है विद्यार्थी। वो क्या बोला, पार भी छोड़ती। और तो चलिए खाना भी खा लिया है। अब तो पहाड़ों में ऐसी होता है कि खाओ और सो जाओ, क्योंकि गप्पे गुप्पे जो थी वो खाना खाते हुए मार ली वहाँ पे। और मेरे को तो वीडियो एडिट भी करनी है, वीडियो अपलोड करने भी लगाना है, तो मुझे तो जल्दी लेटना पड़ेगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहाड़ी भाई पीलो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय जय हो उत्तराखंड।